तैयारियां जोरों पर हैं। प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है, इसका जायजा लिया हमारी सहयोगी खुशी खत्री ने। हाईकोर्ट के पास वाले इलाके में, और चूंकि सरस्वती पूजा आने वाला है और कहते हैं कि सरस्वती संस्कार की जननी होती है और जिसके पास सरस्वती होती है उसके पास विद्या की कमी नहीं होती। सरस्वती पूजा आने वाला है और सरस्वती पूजा को लेकर के पटना में क्या कुछ तैयारी हो रही है, आइए आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से मूर्तियाँ जो हैं वो बन रही हैं, लोग इसे बना रहे हैं और बहुत ही प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे बन रही हैं। बात भी करेंगे कि आखिर कितना यहाँ समय लगता है एक मूर्ति को बनाने में, और क्या कुछ कितना समय लगता है एक मूर्ति को बनाने में। दो चार दिन लगता है एक मूर्ति बनाने में। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोग जो है वो मूर्तियाँ बना रहे हैं, और यहाँ पे मेरे ठीक पीछे मैं चाहूंगी आप देखें तस्वीरों के माध्यम से कि मूर्तियाँ जो है वो बन रही हैं, कितनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ जो है वो बन के तैयार हो चुकी हैं। और उसके बाद इसको कहते हैं ना कि डेकोरेशन करना बहुत जरूरी है, तो वही डेकोरेशन अभी वो कर रही है, वो पेंट कर रही है। आइए उनसे भी एक बार बातचीत करेंगे कि किस तरीके से क्या कुछ करते हैं वो लोग और कितनी मेहनत के बाद तैयार होती है एक मूर्ति। पेंट कर रही है, कितना समय लगता है? एक आधा घंटा लगता है। अभी कोई कोई बुक हो रहा है, 10-12 मूर्ति बुक हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों में भी उत्साह है और तैयारी सरस्वती पूजा की जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पे ये सरस्वती पूजा की जो मूर्ति है वो बन रही है और काफी मूर्तियां जो है वो ठीक बनकर तैयार भी हो चुकी है। विद्या की देवी जो है वो सरस्वती होती है और इस दिन को इसलिए भी मनाया जाता है और लोग बहुत ही श्रद्धा और आस्था के साथ इस दिन को मनाते हैं। अपने सहयोगी हीरा के साथ लाइव 7 पटना।